क्रिया के भेद। आओ बच्चों, क्रिया के भेदों के बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले कर्म के आधार पर विभाजित क्रिया के भेदों के बारे में जानते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। आओ बच्चों, पहले अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण हैं, बच्चा हंस रहा है, चैतन्य सो रहा है, सवेरे जल्दी उठा करो, शिवम तेज भागता है। इन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, अर्थात यहाँ कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या, किसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं, उठना, बैठना, रोना, जागना, आना, जाना आदि। अब हम सकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया का कर्म होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, सोहन ने ब्रश कर लिया, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, रोहन दूध पीता है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का केवल एक कर्म होता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, मजदूर पुल बना रहे हैं, कामिनी खाना खा रही है, पेड़ से फल तोड़ लो। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, माली पौधों को पानी से सींच रहा है, नर्स रोगी को दवा पिला रही है। सकर्मक क्रिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पूर्व क्या तथा किसको जोड़कर प्रश्न करते हैं। यदि उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है, यदि उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक कहलाती है। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। चैतन्य सो रहा है, क्या सो रहा है, कोई उत्तर नहीं, अकर्मक। विशाल पौधा लगा रहा है, क्या लगा रहा है, पौधा, सकर्मक। अब हम प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों को जानते हैं। प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर क्रिया के पांच भेद होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया। जब क्रिया एक पद में हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, माला बाजार गई, यह आम का पेड़ है, इसमें क्रिया का एक पद है, अतः यह सामान्य क्रिया है। दूसरा है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाओं से बने क्रियापद एक क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, बढ़ई कुर्सी बना रहा है, रूपम नाच रही है। इन वाक्यों में बना रहा है और नाच रही है संयुक्त क्रियाएं हैं। बना रहा है क्रिया तीन क्रियाओं, बना, रहना और होना क्रियाओं से मिलकर बनी है, जबकि नाच रही है क्रिया नाचना, रहना तथा होना क्रियाओं से मिलकर बनी है। इनमें पहली क्रिया मुख्य क्रिया है तथा दूसरी क्रियाएं सहायक क्रियाएं हैं। तीसरा है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। इसके उदाहरण हैं, किराएदार ने मकान मालिक का घर हथिया लिया,
मैंने अपनी कमीज रंगवाई। कुछ नाम धातु क्रियाएं इस प्रकार हैं। संज्ञा से नाम धातु क्रियाएं। संज्ञा रंग की नाम धातु क्रिया होगी रंगवाना। संज्ञा हाथ की नाम धातु क्रिया होगी हथियाना। संज्ञा टक्कर की नाम धातु क्रिया होगी टकराना। सर्वनाम से नाम धातु क्रिया। सर्वनाम अपना की नाम धातु क्रिया होगी अपनाना। विशेषण से नाम धातु क्रिया। विशेषण गर्म की नाम धातु क्रिया होगी गर्माना। विशेषण साठ की नाम धातु क्रिया होगी सठियाना। चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को काम करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे में वाक्य में प्रयुक्त क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण हैं, माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, प्रिया तोते को अमरूद खिलाती है। बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, इस क्रिया में क्रिया के साथ आ जोड़ दिया जाता है। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। पढ़ जोड़ आ बराबर पढ़ाया, लिख जोड़ आ बराबर लिखाया, सो जोड़ आ बराबर सुलाया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, इस क्रिया में क्रिया के साथ वा जोड़ दिया जाता है। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। पढ़ जोड़ वा बराबर पढ़वाया, लिख जोड़ वा बराबर लिखवाया, बन जोड़ वा बराबर बनवाया। सामान्य क्रिया दौड़ना की प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया दौड़ाना तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया दौड़वाना होगी। सामान्य क्रिया बैठना की प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बिठाना तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बिठवाना होगी। सामान्य क्रिया बनाना की प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाना तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनवाना होगी। पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया में अधिकतर क्रिया के साथ कर जुड़ा होता है। इसके उदाहरण हैं, बच्चा रो रो कर सोया, रानी पढ़कर खेलने गई। इन वाक्यों में रो रो कर तथा पढ़कर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये मुख्य क्रिया से पहले घटित हुई हैं।